नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन 11। इधर लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बरारे पहाड़ी पर उत्पाद विभाग के पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ा है। आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए यहां पर पुलिस ने मौके से कारोबारी को फिलहाल तो भागने में सफल बताया जा रहा है कारोबारी, लेकिन बताया जा रहा है कि उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में शराब की भट्टियों को नष्ट भी किया गया है। सूचना मिली थी कि बरारे पहाड़ी चानन थाना अंतर्गत जो है काफ़ी मात्रा में वहाँ चुलाई शराब बनाया जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो 3 बजे सुबह में टीम गठित कर और हम लोग गए उस पहाड़ी पे, चारों तरफ से उसको घेरा गया, लेकिन काफ़ी मात्रा में जावा महुआ और शराब तो बरा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर बेगूसराय में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ एसपी खुद ही शराब के कारोबार का जायजा लेने के लिए इलाके में निकले, जहां आपको बता दें कि तमाम जगहों पर बिना रोक टोक के चल रहे शराब की दर्जनों भट्टियों को तत्काल ही ध्वस्त किया गया। बता दें आपको कि जानकारी के मुताबिक तकरीबन 8,000 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। जयपुर थाना क्षेत्र में समय से पहले विद्यालय बंद होने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा किया। बता दें आपको कि ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका प्रत्येक दिन 11 बजे स्कूल आती हैं और 1:30 बजे तक अपने घर चली जाती हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शनिवार को विद्यालय नहीं खोला जाता है। बताइए, आज 12 बजे स्कूल क्यों बंद हो गया? बढ़ते अगली खबर की तरफ और अगली खबर बांका की है, जहां बांका एसपी के निर्देश पर जयपुर थाना अध्यक्ष ने जयपुर थाना क्षेत्र के झारखंड सीमा 44 मोड़ पर चेक पोस्ट लगाकर शराब तस्करी की यहां पर अंकुश लगाया है। बता दें आपको कि आगामी लोकसभा चुनाव और होली पर्व को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से माहौल को बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है। हाजीपुर के पुलिस मुख्यालय में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बता दें आपको कि जिला मुख्यालय के एसपी कार्यालय में लगे आग से पुलिस मुख्यालय का कॉन्फ्रेंस रूम और सीसीटीवी कंट्रोल रूम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। वहीं सूचना पाकर दमकल की कई गाड़ियां पुलिस मुख्यालय पहुंची और पहुंचकर आग पर काबू पाया। समान हाल में, विशाली समान हाल में पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, तो वहाँ पे हम लोगों का सीसीटीवी सर्वेलेंस रूम और मीटिंग हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आज तकरीबन 10:30 सूचना प्राप्त हुई थी कि धुआं निकल रहा है। तुरंत फिर अग्निशामक कार्यालय को सूचना दी गई और फिर वहाँ पर आग लगी, जिसमें जो मीटिंग हॉल है और मीटिंग हॉल के साथ एक आगंतुक कक्ष है जहाँ पर जो लोग मिलने के लिए आते बैठते हैं, तो उसका काफ़ी नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव और होली त्यौहार को लेकर बगहा में पुलिस ने अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री को पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि अवैध शराब को नष्ट भी किया गया है। इसके साथ पुलिस ने गुप्त सूचना पर बताया कि तमाम कार्रवाई की गई है और एसएसबी के सहयोग से ये कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप news11.com पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, बन रहे हमारे साथ और देखते रहे news11। नमस्कार। वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।